कोई बात नहीं, हम आप लोगों के समस्याओं को, आप लोगों की बातों को निश्चित तौर पर शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। चूंकि एक विपक्षी दल के नेता के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया, मेरा आप लोगों के हित में, आप लोगों की कठिनाइयों को, आप लोगों की परेशानियों को शासन तक पहुंचाना है, उससे हल करवाना मेरा कर्तव्य है। कामगार महिलाओं का एक ऐसा संगठन भी रायपुर में है, यह मुझे पता नहीं था, बिल्कुल मुझे 0% इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा एसोसिएशन भी बन चुका है। प्रत्यक्ष इसके प्रचार प्रसार की जरूरत, इसके प्रचार प्रसार की जरूरत इसीलिए है कि आप सिर्फ संतोषी नगर या कुछ अन्य क्षेत्रों की 1300 महिलाएं शायद इसमें जुड़ी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है 1300 महिलाओं को जोड़ना। रायपुर 13,000 महिलाएं थी, आप मेरा यूज सुनो, मेरे कनेक्शन में, मेरे कॉन्टेक्ट में मुझे लगता है हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके की जर्नी चाहती हैं, आप लोगों से जुड़ना चाहती हैं, आप लोगों के साथ काम करना चाहती हैं। निश्चित तौर पर ग्रास रूट पर जो आप लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि हिरन ने बताया, बिलासपुर, धमतरी, धुरुगा पहुंच चुकी है, मुझे बहुत खुशी हुई, हम नहीं पहुंच पाए, रायपुर से तो सब नहीं मिलती है, लेकिन आप गुजरात से आकर, आपकी टीम यहाँ पर हमारे विभिन्न जिलों में जाकर ये जन जागरण का शुभारंभ करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी संस्था काफी तालीस काम करेंगे और मैं बहुत बहुत आपकी संस्था को इस नए कार्य के लिए शुभकामनाएं। महिलाएं निश्चित तौर पर सशक्त हुई है और यहाँ पर जो समय निकाल कर जो महिलाएं उपस्थित हुई है, निश्चित तौर पर वो जो शक्तिकरण का उदाहरण है। इस कार्यक्रम को महिला दिवस के दिन किया जाता या महिला दिवस का नाम अगर इस कार्यक्रम के साथ शायद जोड़ा जाता हो और ज्यादा उपयोगिता सिद्ध होती है। आप सबके से आज तो राजधानी में ट्रेंड चल रहा है, गुलाबी गैंग बनी, आप लोगों से कितनी महिलाएं उधर भी हैं, मैं बताऊं आपको, मैं 3-4 दिन पहले घर जा रहा था, 11:30-12 बजे के आसपास, तकरीबन 50-60 महिलाएं हाथ में डंडा तो मुझे लगा क्या हो गया भैया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, कहीं कुछ विवाद हुआ। अब निश्चित तौर पर चूंकि जिस क्षेत्र से मैं गुजर रहा था, उस क्षेत्र के काफी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैंने बोला भाई अगर कोई ऐसी स्थिति जो मेरे संज्ञा बना के इधर है बात खत्म किया है, मुझसे रहा नहीं है, तो मैंने उससे पूछा भाई आप लोग ये अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं होते, तो बिल्कुल दुर्गा का रूप धारण किया। उसने कहा गुलाम कह सदस्य पर हम दस करते, हम रोज रात को 10 बजे से 9 बजे से 11:30-12 बजे तक के दस करते, मतलब दस किया बोले जो शराबी हमको रस्ते में मिलते हैं उनको पकड़ के पीट के, तो आपको गुलाबी कहें कि सदस्य ने यहाँ पर गिर नहीं है, सदस्य ऊपर चुका थोड़ा बुरा लगेगा, यदि शराब के खिलाफ देखा जा रहा है कि शराब के खिलाफ अभियान में महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, प्रदेश व्यापी नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे मोर्चों में राजनीतिक लोग महिलाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए। सबसे दूसरी बात यह होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप सदस्य बने, गुलाबी गैंग भी बने, कोएजन फाउंडेशन भी बने, केली फाउंडेशन में आ बहुत कार्य होते हैं, आप लोगों को बहुत मान सम्मान काफी काम है, लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत अपने घर से करें। यदि आपके घर पर
पुरुष शराब पी रहा है तो आपको कोई हक नहीं बाहर के पुरुष को काटने का। सबसे पहले आप अपना घर सुधारें, शुरुआत घर से कीजिए, किसी परिवर्तन की शुरुआत आपके घर से कीजिए। घर सुरक्षित हो गया आपका घर से फिर आप कनाडा के पीठ के अच्छे से हम आपके साथ हैं। मंत्री जी भी हैं जैसे कार्यक्रम में हिरल में पंकज झा प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री जी को जरूर बनाएंगे। बड़े सर्वमंत्री जी हैं वो आते हैं क्योंकि आप लोग इस प्रोग्राम को प्रशिक्षण के बाद जिस बोर्ड में करने जा रहे हैं एनिवर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बहुत अच्छी योजना है मंत्री उनको यहां पे अगर उनकी उपस्थिति होती तो निश्चित तौर पर मैं महिलाओं के साथ साथ की कुछ बातें उनको बता पा काम होने चाहिए अच्छी बात है। एनिमल की शायद मुझे भी हिरन बेल ने बताया कि सरकारी योजना के तहत होमस्टे वर्ग की ट्रेनिंग का काम किया जाता है। रजत बंसल रायपुर अच्छे दोस्त मेरी उनसे भविष्य नहीं देखा इन योजनाओं के बारे में तो बात होती है सब नाराज है। हम जैसे प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं ये महिलाएं प्रशिक्षित होनी चाहिए, प्रशिक्षित होने के बाद उसको रोजगार उपलब्ध कराए तो जो नियुक्तियां होती है चाहे वह एनएचआरओ हो चाहे वो महिला समाख्या प्रोग्राम हो चाहे वो एनिमल प्रोग्राम हो मैं विरोध किसी का नहीं एक क्राइटेरिया बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं एनिमल में लेकिन उनको शाबाशी नहीं है। मैंने देखा है ज्वाइन करते हैं इतने परेशान होते हैं चार पांच महीने भाग जाते हैं बहुत परेशान काम है लेकिन जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए या कुछ अधिकारियों को भी जो उसमें इंटरेस्ट लिया जाना चाहिए वो थोप देते हैं किसके ऊपर मैनेजर के ऊपर मैनेजरों की स्थिति उसके पीछे दो कारण है। एक कारण है सीधा मंत्री जी के यहां से फोन आता है फलाना है इसको हम लोग दूसरा जो व्यक्ति उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता हो वो काम क्या करेगा तो इस वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो फेल भी हो गई। मैं इसलिए चाह रहा था कि आप मंत्री जी उपस्थित होते तो शायद ये बात से लोगों को अवगत करा रहा तो इन चीजों का भी समाधान होता। प्रशिक्षण देने वाला खुद स्वयं बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है ये मेरी सोच है। अच्छे काम करने वाले लोग भी मेरी नजर में नॉलेज जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको उनके काम की करने जो शाबाशी मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। गैर कानूनी तरीके से प्रमोशन कर दिया जाता है किसी का भी अपॉइंटमेंट हो जाता है जिसको काम नहीं आता। मैंने सुना है कि डीएचएमएस से डॉक्टरों को भी वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है ऐसे में मेरी सोचता इस बात को शासन प्रशासन तक निश्चित तौर पर और निरंतरता से नहीं आए। अच्छे मित्र हैं हमारे आते तो शायद हो सकता सोल्यूशन होती कुछ अच्छी बात है। चलिए तो मैंने नहीं बोलता नहीं फिर आपने मुझे राजनीतिक मंच पर बुलाया इसलिए बोला या राजनीतिक रूप से आप मुझे बुलाते मैं बिल्कुल नहीं बोलता। दूसरी बात ये कहूंगा एनिवेल बहुत अच्छा काम कर रहा है एनिवेल इसको प्रशिक्षण दे प्रशिक्षण देने के बाद मेरे हिसाब से और इसमें गृह उद्योग से रिलेटेड आपको प्रशिक्षण दी गई ऐसा कुछ नहीं होता तो जिसमें गृह उद्योग में आपकी वो पापड़ बनाने का होता है या अचार बनाने
घर पापा का कोई काम छोड़ा नहीं। इसका अगर उदाहरण तो आप दिलचस्प पापड़ को देखिए, उसने अपने काम की ब्रांडिंग की, अचार उद्योग ये भी ग्रह उद्योग के दायरे में, देखिए उसने अपनी कितनी अच्छी ब्रांड निकाल ली ना, उस अचार का नाम मुझे लगता भारत में विश्व एमडीएच मसाला कौन नहीं जानता, उसने अंकल है उतने से काफी फेमस है, उन्होंने कहा कि मसाले का उद्योग भी ग्रह उद्योग के दायरे में आता है। आज देखिए उन्होंने बहुत अच्छी ब्रांडिंग की, आज वो कहा धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में नौकरी किया करते, आज रिलायंस ग्रुप का लाभ किसी पहचान का अवकाश नहीं। महिलाओं के हितों में शराब बदने दहेज प्रथा महिलाओं का उत्पीड़न काफी विषयों पर काम करने की जरूरत है, और चूंकि अब आप लोगों ने 33% आरक्षण भी मांग लिया है तो मैं ये सोचता हूँ कि आरक्षण की जरूरत आप लोगों को है ही कहा 100% आप लोगों के पास है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई फाउंडेशन जो काम कर रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कोएजन फाउंडेशन के श्री पंकज हिरल में पंचा से अतिथि एनिवेलर के हमारे साथी इन सभी को मैं श्योरिटी देना चाहता हूँ, एक विपक्षीय दल के नेता की ओर से कि आप लोगों को इस प्रोग्राम में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में या किसी भी तरह की कोई भी शासकीय प्रशासकीय आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क करेंगे, और हमारी बातों को तो सुनते नहीं सुननी पड़ती है क्योंकि इनके बदले भी कोशिश कर रही भाई यहाँ भी सुनेंगे तो कल को हमारे उच्च अधिकारियों से शिकायत करेगा, उच्च अधिकारियों के पास बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वहां पहुंचेगा विधानसभा में इनको घेरेगा, तो हम लोगों के लिए काम बहुत आसान है, आप लोगों की बातों को वहां तक पहुंचा कर उसका समाधान किए जा रहे हैं। मंत्री जी यही है इसका मुझे बहुत शुक्र है, चार आते हैं आज भी कह रहा हूँ मैं कुछ सोच के आया था निश्चित तौर पर मैं उनको उस भाव को बना के रहता उनसे घोषणा तो करवाता बात को इम्प्लीमेंट कैसे करवाना हमको आता है। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया बोलने का अवसर दिया इतनी सारी बैठकों से निपटे कर रहा हूँ। दूसरा प्रत्यक्ष ध्यान रखना 1300 महिलाएं मेरी बैठकों में 13000 महिलाएं मिली गया, आप उस एरिया को भी कॉन्सेंट्रेट करिए, मैं आपको बताऊंगा आइए मेरे ऑफिस पे दो तीन एरिया है जहाँ पर महिलाएं संगठित हैं, और जैसा कि अभी गुलाबी गैंग की हमारी दो तीन महिलाओं ने हाथ लाया से गुलाबी गैंग के काफी सदस्य संगठनों से अभी रेगुलर मिल रही है आते हुए, तो उनको भी कहिए कि इन कार्यक्रमों में एक जिम्मेदारी दीजिए, उनके पास टाइम भी है प्रशिक्षित भी है उसमें बहुत सारी महिलाएं तो खड़ी नहीं है जो आप उसका काम कर सकती है, या कुछ महिलाएं ऐसी जिनको काम की जरूरत है तो आप उनसे मिली जाए, मैं चाहता हूँ उनका भी भला हो आपके माध्यम से, मेरा इससे कुछ काम आप लोगों ने बुलाया बोलने का अवसर दिया सुना अच्छी बुरी बातें बुरी गई तो भी इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अंत में अपनी वाणी को इतना कहते ही मैं विराम दूंगा आप लोगों के लिए गाना है सुखी तो काफी सुना करता हूँ मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे तुझसे ये पूछ बता तेरी वजह